Assalamualaikum dear students, hope you are fine and fit at your homes. So once again I come here for class 9th today our topic is entrepreneurship development process. Kya hoti hai? Sabse pehle ये जो होते हैं एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये एक प्रोसेस होती है जिसमें एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, इम्प्रूविंग करता है अपनी स्किल्स को एंड नॉलेज को। कौन करता है इम्प्रूव अपने स्किल्स को और नॉलेज को? एक एंटरप्रेन्योर। इट कैन टेक प्लेस थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग। ये इम्प्रूव कैसे हो सकता है, उसकी स्किल्स इम्प्रूव कैसे हो सकती है, उसकी नॉलेज इम्प्रूव कैसे हो सकती है? इट कैन टेक प्लेस थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग सिस्टम। ये हो सकती है इम्प्रूव, एक हो गया फॉर्मल, दूसरा होगा इनफॉर्मल लर्निंग सिस्टम से उसकी नॉलेज एंड स्किल्स जो है इम्प्रूव हो सकती है। इन द फॉर्मल लर्निंग सिस्टम, फॉर्मल लर्निंग सिस्टम में क्या होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कंडक्टेड। किसमें? फॉर्मल लर्निंग सिस्टम में ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं वो कंडक्ट होते हैं टू ब्रिंग अबाउट अवेयरनेस नॉलेज। उसमें क्या होता है, टू ब्रिंग अबाउट अवेयरनेस, टू ब्रिंग अबाउट अवेयरनेस नॉलेज एंड स्किल्स रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप। फॉर्मल लर्निंग सिस्टम में क्या होता है, ट्रेनिंग कंडक्ट हो रही है इसलिए अवेयरनेस रहे, अवेयरनेस नॉलेज एंड स्किल्स रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन किसके रिलेटेड? एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड। ट्रेनिंग कंडक्ट होती है तो ब्रिंग किस लिए, अवेयरनेस नॉलेज एंड स्किल रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप। किसमें? इनफॉर्मल, सॉरी किसमें, फॉर्मल लर्निंग सिस्टम में। ये हो गया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होती है। आप बिजनेस स्टार्ट करना है उसमें आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन कौन से स्टेप्स से आप बिजनेस जो है स्टैंड कर सकते हैं, व्हाट आर दैट स्टेप्स। स्टेप्स ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, देयर आर सेवरल स्टेप्स। फर्स्ट वन इज आइडिया। बिजनेस का आइडिया होना चाहिए पहले। एक बंदे को बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए उसको कहां से स्टार्ट करना है, फर्स्ट थिंग इज आइडिया। द फर्स्ट स्टेप इज टू कम आउट विथ अ बिजनेस आइडिया। अ बिजनेस आइडिया कुड बी बेस्ड ऑन, देखो जब आपके पास कोई आइडिया होगा तभी आप बिजनेस के रिलेटेड सोच सकते हैं। तो वो बिजनेस आइडिया में क्या क्या जरूरी है, सबसे पहले आइडिया जब आपके पास है तो उसमें पहली चीज क्या होनी चाहिए, समथिंग यू आर इंटरेस्ट इन डूइंग, पहली चीज जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो, इंटरेस्टिंग यू आर समथिंग, वो चीज जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो, ये आइडिया में आता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड इज ए नीड, यू सी इन द मार्केट, आप मार्केट में नीड देखते हो, किस चीज की नीड ज्यादा है उसी के हिसाब से आप बिजनेस जो है वो खड़ा कर सकते हैं। आपको मार्केट में प्रोडक्ट्स की नीड देखनी है तभी उस नीड के हिसाब से आप अपना बिजनेस जो है स्टैंड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है, स्टेप्स ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस, उसमें पहले आइडिया होना जरूरी है। किसी चीज का आइडिया है आपके पास, वो आइडिया किसके, आइडिया कुड बी बेस्ड ऑन, उसमें फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताया, समथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग, पहले जब आइडिया आया उसमें आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं, जब आप इंटरेस्टेड हो तभी आप जो है आगे स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। इतना ही नहीं, उसके बाद आपको देखना है मार्केट में किस चीज की ज्यादा जरूरत है, नीड मैंने आपको बताया, नीड यू सी इन द मार्केट। ये किस में, ये दो चीजें आती है आइडिया में।
सेकेंड पॉइंट, गेटिंग मनी एंड मटीरियल, गेटिंग मनी एंड मटीरियल, गेटिंग मनी एंड मटीरियल। आपको बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको पैसों की जरूरत है, मटेरियल की जरूरत है। वंस यू हैव द आइडिया, जब आपके पास आइडिया है फिर आपको क्या करना है, यू कैन स्टार्ट अ स्मॉल स्केल विद सम मनी। आप एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो लोकल लेवल पे, विच कैन हेल्प यू इन बाइंग बेसिक मटेरियल। उससे क्या हो जाएगा, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी, हेल्प यू इन बाइंग बेसिक मटेरियल। उससे आपको फायदा ये पूछेगा कि आपको जो बेसिक मटेरियल की जरूरत है वो आप खरीद सकते हो, किसके लिए, बिजनेस के लिए। वही हुआ गेटिंग मनी एंड मटेरियल, वो बात जरूरी है। जब आइडिया भी है ठीक है, उसके बाद आप इंटरेस्टेड भी हो उस बिजनेस में, उसके बाद आपने देखी मार्केट में नीड लोगों की ठीक है, फिर उसके बाद आपको गेटिंग मनी एंड मटेरियल की जरूरत है एंड मनी की जरूरत है। जब आपने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया उससे आपको हेल्प मिल जाएगी, क्या केस में कि आप परचेज कर सकते हो, बाई कर सकते हो बेसिक मटेरियल जिसकी आपको ज़रूरत है वो आप खरीद सकते हो। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, इन चीज़ों से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। आपको जानना है, समझना है कस्टमर की नीड्स को। वंस यू स्टार्ट सेलिंग, जब आप स्टार्ट करोगे सेल करना, यू विल फाइंड आउट व्हाट योर कस्टमर लाइक एंड वांट्स। जब आपने स्टार्ट किया बेचना कोई प्रोडक्ट ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि आपके कस्टमर क्या लाइक करते हैं, फर्स्ट वन क्या लाइक करते हैं एंड वांट्स एंड व्हाट दे वांट। दो चीजें, बिजनेस स्टार्ट हो गया ठीक है, कस्टमर्स की नीड्स को आप जानना है ठीक है, उससे क्या पता, फिर उससे क्या हेल्प मिलेगी आपको जब आपने सेलिंग स्टार्ट की बिजनेस में, उससे आपको पता चलेगा लोगों की लाइक, लोग क्या लाइक करना चाहते हैं, लोग किस चीज़ को लाइक करते हैं ज़्यादा, लोग की वांट क्या है, लोग व्हाट दे वांट पीपल क्या चाहते हैं, ये पता चलेगा। यू विल फाइंड आउट व्हाट योर कस्टमर, ये भी आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद जब आपने सेलिंग स्टार्ट की, फिर आपको ये भी पता चलेगा आपके कस्टमर क्या नहीं चाहते, उनको किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किस स्टेज पे किस चीज़ की ज़रूरत है, ये फिर आपको पता चलेगा। वही हुआ, यू विल आल्सो फाइंड आउट व्हाट योर कस्टमर डज नॉट लाइक, जब आपने स्टार्ट की सेलिंग स्टार्ट किया, उसे पता चला आपको कि आपके कस्टमर क्या लाइक करते हैं, क्या चाहते हैं। इतना ही नहीं, उसके बावजूद आपको ये भी पता चले कि आपके कस्टमर क्या नहीं चाहते ठीक है, व्हाट योर कस्टमर डज नॉट लाइक, किस स्टेज में, ड्यूरिंग एनी स्टेज, किस स्टेज में, ड्यूरिंग दिस स्टेज ठीक है। आपको पता चलेगा कि कब किस कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है, वो लाइक क्या करते हैं, क्या लाइक नहीं करते हैं। वही हो गया कस्टमर अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट जो है वो है इम्प्रूविंग प्रोडक्ट सर्विस। ये फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया, आपको इम्प्रूवमेंट लानी है अपनी जो प्रोडक्ट सर्विस है उसमें, आपको इम्प्रूवमेंट लानी है। यू कैन यूज दिस नॉलेज,
ऑफ व्हाट योर कस्टमर लाइक्स एंड डज नॉट लाइक टू इम्प्रूव योर प्रोडक्ट्स। जब आपको पता चला कि हमारे कस्टमर्स को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ को लाइक करते हैं, किस चीज़ को डिसलाइक करते हैं, ठीक, किस चीज़ की ज़्यादा नीड है, जब आपको ये सब चीज़ें पता चली, फिर उसके बाद आप क्या करोगे टू इम्प्रूव, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट लाओगे, इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट इन योर प्रोडक्ट्स। ये हो गया इम्प्रूविंग प्रोडक्ट सर्विस। ये कैसे पता चलेगा? जब आपको कस्टमर्स की नीड्स पता चला, कस्टमर के लाइक्स चले, डिसलाइक्स पता चले, उसके बाद ही आप एनालाइज कर सकते हो उसको, उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट और इम्प्रूव करने की कोशिश आप कर सकते हो। क्योंकि ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए आज, स्टेप्स ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, ठीक है। पहला मैंने बताया आपको, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया वो हुआ आइडिया, ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया गेटिंग मनी एंड मटेरियल, गेटिंग मनी एंड मटेरियल। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया इंप्रूविंग प्रोडक्ट सर्विस, इंप्रूविंग प्रोडक्ट सर्विस, इंप्रूविंग प्रोडक्ट सर्विस। ये 4 चीजें मैंने आपको बताई। अगर स्टेप्स ऑफ स्टार्टिंग, जब आप स्टार्ट बिजनेस करना चाहते हो, सबसे पहले आपके पास आइडिया होना चाहिए। आइडिया में किस चीज का ख्याल रखना है, आइडिया जब आपके पास है फिर उसके बाद आइडिया में आता है समथिंग यू आर इंटरेस्ट इन डूइंग, जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हो। फिर इतना ही नहीं, फिर उसके बाद आपको देखना है मार्केट में किस चीज़ की नीड ज़्यादा है, वो सब किस में आता है, आइडिया में। फिर उसके बाद आपको गेटिंग मनी एंड मटेरियल के बारे में मैंने बताया, मनी एंड मटेरियल कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। फिर उसके बाद आपको जानना है, फिर उसके बाद आप जान सकते हो अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, कस्टमर की नीड्स को जान सके। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप मैंने बताया इम्प्रूविंग प्रोडक्ट सर्विस, जब आपको पता चला कस्टमर की नीड्स क्या है, लाइक्स क्या है, ठीक है, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, ठीक है, उसको बेटर तरीके से उनको क्या है सेल कर सकते हो, उस तरह से क्या जो है कस्टमर ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हैं। तो ये हो गया आज मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। ये क्लास 9th के लिए था आज हमारा टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस। उसमें हम मैंने आपको बताया कौन कौन से स्टेप्स जो हम उठा सकते हैं, कर सकते हैं एक बिजनेस को स्टैंड करने में। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।